नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आईपीएल 2022 में आरसीबी टीम शानदार प्रदर्शन कर रही है लगातार। फिलहाल आरसीबी ने 7 मुकाबले खेल लिए हैं, 5 मैचों में जीत हासिल हुई जबकि 2 मैचों में हार का सामना करना पड़ा है। दिनेश कार्तिक आरसीबी टीम के लिए इस साल सुपरमैन बन के आए हैं, जिन्होंने लगभग हर एक मैच में आरसीबी टीम के लिए अच्छी बल्लेबाजी की है और उन्होंने करीब 2 से 3 मैचेस वन साइड जिता के दिए हैं। जी हाँ दोस्तों, दिनेश कार्तिक के साथ शाहबाज अहमद भी उनका अच्छा साथ दे रहे हैं, लेकिन कार्तिक के इस फॉर्म को देखते हुए एबी डिविलियर्स बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रहे हैं, वो क्रिकेट के मैदान में वापसी करना चाहते हैं। जी हाँ दोस्तों, डिविलियर्स का बहुत बड़ा बयान सामने आया है, तो आरसीबी टीम के सभी फैंस और एबीडी के सभी फैंस के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ रही है। इसके बारे में सारी बातचीत हम आगे इस वीडियो में करने वाले हैं, हर एक जानकारी आपको दूंगा। तो भाइयों, अगर आप भी आरसीबी के फैन हो तो वीडियो को दिल से एक लाइक कर दीजिए। वहीं दोस्तों, हमारे चैनल पर नए हो तो इसे याद से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा, ताकि ऐसी ही डेली अपडेट्स आप तक हमेशा पहुंचती रहे। ओनली आरसीबी के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल भी है, वहां पर आपको क्रिकेट की हर एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ लगातार मिलती रहती है। तो भाइयों, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, फटाफट जाओ वहां पर उसे भी ज्वाइन कर लो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आईपीएल 2022 में दिनेश कार्तिक ने शानदार बल्लेबाजी की है, लगभग हर एक मैच में उन्होंने नाबाद पारियां खेली हैं आरसीबी टीम के लिए और टीम को ज़्यादा से ज़्यादा मैचों में जीत दिलाई है। जिस मैच में दिनेश कार्तिक पहले आउट हो गए थे, उस मैच में आरसीबी टीम को हार का सामना करना पड़ा, तो इससे आप ये अंदाज़ा लगा सकते हो कि दिनेश कार्तिक की वैल्यू आरसीबी टीम में फिलहाल आईपीएल 2022 में क्या है। वो फिनिशर की भूमिका जो है अच्छे से अदा कर रहे हैं, डिविलियर्स की कमी को महसूस नहीं होने दे रहे हैं। हालांकि डिविलियर्स का नाम तो एक अलग ही नाम है, वो आरसीबी टीम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण खिलाड़ी थे। इसी कड़ी में दोस्तों, डिविलियर्स का बहुत बड़ा बयान सामने आया है। दिनेश कार्तिक को खेलते हुए देखकर डिविलियर्स ने कहा है कि वो दिनेश कार्तिक को देखकर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रहे हैं, उन्हें फिर से क्रिकेट खेलने का मन हो रहा है। कार्तिक जिस तरह से बल्लेबाजी कर रहे हैं, 360 शॉट्स खेल रहे हैं, उनको देखकर मैं फिर से मैदान में वापसी करना चाहता हूं, मुझे क्रिकेट खेलने का मन हो रहा है, ऐसा बयान जो है एबी डिविलियर्स ने दिया है। हालांकि अब ये किस तौर पर कहा गया है, डिविलियर्स ने किस इमोशन में कहा है, क्या उन्होंने मजाक में कहा है या फिर दोस्तों सीरियसली कहा है, इसे समझना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। लेकिन भाइयों, ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कहीं ना कहीं डिविलियर्स जो है आरसीबी टीम में अगले साल वापसी भी कर सकते हैं। अब वो एज अ कोच वापसी करते हैं फिर एज अ बल्लेबाज वापसी करते हैं, ये तो हमें वक्त ही बताएगा कि डिविलियर्स जो है क्या सोचते हैं फिलहाल, क्या मैदान में वापसी करना चाहते हैं एज अ कोच फिर एज अ प्लेयर, वो उन पर डिपेंड करता है। यही बहुत बड़ा बयान दिया था डिविलियर्स ने आरसीबी टीम के प्लेयर दिनेश कार्तिक को लेकर। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।